people, welcome back to my channel. Those are new, please like करें, share करें and subscribe करना ना भूलें. I am Rashmi Sangman and I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ. तो guys, आज के ब्लॉग में मैं आपसे श्रीमद् भागवत गीता के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ. हमारी कॉलोनी में कल ही भागवत गीता का प्रारंभ हुआ है, तो मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी. मैं आपको पंडाल में लेके चलूंगी और दिखाऊंगी कि भागवत गीता में कैसे अध्याय सुनाए जाते हैं, कैसे श्लोक बोले जाते हैं और वहाँ पे कितना आनंद मिलता है. तो वहाँ जाने से पहले भागवत गीता के बारे में कुछ चीज़ें जानना जरूरी है कि भागवत गीता कब लिखी गई, किसने लिखी, उसके पढ़ने से क्या होता है, हमारे जीवन में भागवत गीता का कितना महत्वपूर्ण रोल है. तो ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है. तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हमारे साथ पंडाल में चलिएगा. और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी. तो मैं आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं एंड बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा. एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें. तो फिर चलते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें जान लेते हैं भागवत गीता के बारे में. ओके, तो भाभी आप कुछ बताना चाहेंगी भागवत श्रीमद् भागवत गीता के बारे में? जो ये हमारा हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत कथा, तो ये लिखी थी महर्षि वेदव्यास जी ने, भागवत कथा को उन्होंने लिखा था. और गाइस, ये अगर आज के हिसाब से हम देखें तो आज के समय के अनुसार भागवत गीता 5018 से लेके 5156 वर्ष पुरानी है. ये कथा इतनी पुरानी है, तब लिखी गई थी और इस कथा को सर्वप्रथम गॉड कृष्णा जी ने पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र भूमि पर बोला था. भागवत गीता में 18 तो अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं. तो आप समझ सकते हैं इस भागवत गीता को लिखने में कितना समय लगा होगा, क्योंकि इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, संस्कृत श्लोक हैं. हाँ, ये 7 दिन तक इसका पाठ चलता है. 7 दिन तक ये कथा का पाठ किया जाता है, 7 दिन तक ये कंटिन्यू चलेगा और लास्ट डे इसके लिए एक भंडारा करते हैं पूरा, जिसमें प्रसाद बनाते हैं. हाँ, प्रसाद वितरण करते हैं और हवन होता है. जैसे हर धर्म में एक ग्रंथ होता है, वैसे ही हिंदू धर्म में भागवत गीता ग्रंथ है और हिंदू धर्म में भागवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है. इसे डेली करना चाहिए, इसका डेली पाठ करना चाहिए और इसके अंदर जो भी लिखा है वो आपको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए. और जो भी भागवत गीता में लिखा है उसको अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो आप बहुत आसानी से उसका हल कर सकते हैं. तो इसलिए भागवत गीता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है. भागवत गीता को कराया क्यों जाता है? भागवत गीता को घर में अशांति ना आए, घर में सुख शांति बनी रहे, आपके बिगड़े काम, कितने भी बिगड़े काम हो वो बन जाएं, और जो आपके पितर हैं उनकी शांति के लिए भी भागवत गीता को कराया जाता है. और जिनकी बहुत दिन से समस्याएं चली आ रही हैं, जो पूर्ण नहीं होती हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि अगर हमारी ये समस्या या हमारी ये इच्छा पूरी हो गई तो हम भागवत गीता का पाठ कराएंगे. तो इसलिए हिंदू धर्म में भागवत गीता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है. आपको तो दीदी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको भी करनी चाहिए भागवत कथा. तो गाइस, मैं तो डेफिनेटली अब भागवत गीता का पाठ करने वाली हूँ क्योंकि मुझे रियली बहुत ज्यादा जरूरत है. लाइफ में मतलब कोई किसी का नहीं है, सिर्फ भगवान है. तो मुझे भागवत गीता करनी है और भागवत गीता के अंदर जो भी नियम या जो भी बातें हैं वो मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने जीवन में उतारने की, ताकि मेरी जितनी भी परेशानियां हैं, मैं जितनी भी उलझनों में हूँ, वो सॉल्व क्लियर हो जाए, सॉल्व हो सके. क्योंकि फेस पे स्माइल रखने से, खुश रहने से, सबको खुशी दिखाने से का मतलब नहीं कि तुम खुश हो. आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उलझने होती हैं, जिनका आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, तो भागवत गीता के करने से उनका सॉल्यूशन जरूर होगा. तो मैं पक्का अब से भागवत गीता करूंगी सिर्फ शांति की, मैं भी अब शांत रह पाऊँ, मैं भी अब खुश रह पाऊँ. तो पूरी कोशिश, अब मैं पूरी
मतलब कोशिश करूंगी कि भागवत गीता को पढ़ूं और उसके अंदर जो भी बातें हैं उन्हें मैं अपने जीवन में उतार लूं। तो गाइज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको अब पंडाल में लेके चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ वहाँ पे कैसे कैसे अध्याय पढ़े जाते हैं और वहाँ पे जाके कितना आनंद मिलता है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी म्यूज़िक जो भी वो कथा सुनाते हैं उनको सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी वो बहुत पसंद आएगा। तो फिर चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आखिर के दिन अपने इस कथा में भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भंडारे का आयोजन हो। आप सब लोग अगर साथ देंगे तो अवश्य बहुत अच्छा भंडारा करेंगे। तो भंडारे में खीर का आयोजन निर्णय लिया कि खीर बनाई जाएगी। किसी ने कहा कि आप खीर बना रहे हो तो दूध हमारी तरफ से, जितना दूध लगेगा वो हम। सबसे अच्छा गुण क्या है, समुद्र का स्वभाव कैसा है? भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक से पहले लिखा है। क्यों? क्योंकि महादेव के हृदय में देवता तो समा ही जाते हैं, उनके हृदय में भूत प्रेत भी समा जाते हैं। कि हमारे विवाह में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, किसी भूत प्रेत की बाधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब महाकाल का विवाह होने लगा तो सबसे ज्यादा बाराती भूत प्रेत ही थे। तो सारे मंदिरों में द्वार होते हैं, लेकिन शिव मंदिर में कभी कोई द्वार पहले नहीं हुआ करता था। अब सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए जाते हैं, इसलिए दरवाजा लगाना पड़ता है। बाकी पुरातन काल में जो शिवालय आप देखेंगे वहां पहले द्वार। बहुत अच्छा गाया है कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कि तुमने आंगन नहीं बुहारा। आंगन कौन सा? ये हृदय वाला आंगन भैया हो। कि कैसे आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे ढाई सौ करोड़ के मंदिर में भी भगवान बिठा दिए। आ रहा था और जो सुना रहे थे वो भी भागवत गीता को इतने अच्छे से सुना रहे थे
कि सुनने वाले सब बहुत ज्यादा उस चीज का आनंद ले रहे थे। और आपने देखा कि भागवत गीता में सुनाते वक्त बीच बीच में वो ऐसे भजन गाते हैं कि लोग अपने पैर रोक नहीं पाते हैं, वो उस पर डांस करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको समझ आए कि हिंदू धर्म में भागवत गीता का कितना महत्व है और भागवत गीता कितनी महत्वपूर्ण है। उसका हर एक अध्याय कुछ बोलता है, कुछ सिखाता है, समझाता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी भागवत गीता में जो लिखा है अगर उसको अपने जीवन में उतार लेता है तो उसके जीवन में जो भी समस्या आएंगी वो उसको सरलता से सुलझा लेगा। तो गाइज, आई होप आपको ये पसंद आए वीडियो। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। एंड अगर आपको मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखना हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए चाओ।